good behind me. क्या है देखो भाई देखो भाई, अब जैसे मान लिया कल की बात सुनो, तो तुम्हें क्या बता रहा तुमको, जैसे मान लिया साइन एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है भाई? देखो साइन कॉस, बंद कर दो यहाँ से, खड़े हो गए कोई भी जो जिस अच्छा लगती हो सब अपना ही खुद रगड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन कॉस टैन कॉट, या अपनी जगह बदल लो इधर उधर ऐसा कर लो, अच्छा चलो बैठ जाओ यार, जो करना भी कर लो, तो देर के लिए पंखा मेरा ही बंद कराओ तो साइन कॉस टेन, चलो खैर साइन कॉस टेन, देखो भाई इसकी क्या है, जीरो से लेके 180 तक की और कितने भी तक की वैल्यू निकालनी सीखूंगा आज मुझे, बताया था ना मैंने? यस सर। ये भी बता भी दी थी मैंने, देखो इसका फिर हट के रिपीट करते हैं एक बार और, बताया सबको किससे निकलती है वैल्यू, मैंने कहा था सिर्फ एक लाइन याद कर लो, क्या कर लो सिर्फ एक लाइन, एक लाइन किस लाइन याद कर लो, इस लाइन को तो याद कर सकते हो भाई, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/ इसे भी नहीं याद कर, इसे तो याद कर लेंगे, जिसने ये लाइन याद कर ली उसके सारे नंबर याद हो, दुनिया कोई भी नंबर हो सबकी साइन की वैल्यू या कोस की वैल्यू निकल जाएगी, इतना कर लेंगे भाई। अगर इसकी जो है रूट की वैल्यू निकाल लूं भाई मैं, कोई नई बात तो नहीं करी, बच्चे वाली हरकतें हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, 4 से 0 को डिवाइड करा क्या आ गया 0 और 0 का स्क्वायर रूट 1 का 4 का 2 1/2 आ गया, 2 का 2/4 1/2 1 का क्या गया 1/2 का निकले थे भाई साहब, ये पिंजरे में रहेंगे रूट 2 है, रूट 3 का क्या निकलता नहीं है, 4 का 2 और 4/4 कितना जाता है 1 और 1 का 1, यहाँ तो बात समझ आ गई, ये तो रटी होंगे इतना, ये तो नहीं रट सकते, याद है तो लोगे तुम्हारे तो सारे रहना, फिर तो मैं फिर ज्यादा रहना तुम्हारे पे, तो साइन 0 की ये 0 हो गए एन, गलती तो हुई सर, 0 30 45 दोनों का आदमी है तो नहीं है 60 90 ए कितना भी काम चाहिए, चलो चलिए देखो अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 1/2 √2 √3 √3/2 और रटने की बात, यहाँ तो रट लेगा भाई, वैल्यू ऐसी नहीं होती, गलत नहीं लिखी, अब इसे इधर से शुरू कर दो, क्या रहेगा 1 आगे 3/2 ये अपनी जगह आएगा, जो को तू है 1/2 और यहाँ तक बात सुनो अभी, अब tan निकालना, tan है sin अपॉन cos, नहीं 0/1 क्या आता है 0 1/2/√3/2 क्या जाएगा, शाबाश सब तो पा गई, और 1/√2 √3/√3 और 1 से 0 हो गया नॉट डिफाइंड, ये किसी ने डिफाइंड ही नहीं करा आज तक के, शायद तुम कर दो भाई बड़े हो गए, 1 से 0 को डिवाइड करा क्या आता है कुछ नहीं, इनके तो 0 का क्योंकि 0 का हमने टेबल पढ़ा ही नहीं आते लिख के, पढ़ा मैं तो पढ़ा नहीं है, चलो कोट क्या होगा इसका उल्टा, 0 का उल्टा क्या हो नॉट डिफाइंड, और चाहे इधर से लिख ले चाहे तो यूं कर लो चाहे इसको उल्टा लिख लो एक ही बात है, 0 का क्या होगा भाई नॉट डिफाइंड एन डी, 1/√3 का √3, 1 का 1/√3 कोस का क्या है ये रिसिप कोस सेक हो, ये इसका उल्टा जगह ये इसका उल्टा जगह कोस एक्स सेक, यहाँ से बात नहीं होगी सारी हुई टेबल याद, एक लाइन थी उसने कहा जी ये तो हमारे से पहले भी आती हुई नहीं बात बताई है ना, मैंने पहले कह दिया है तो बेवकूफ बनाया है बात तो जब है जी इससे बढ़ेगी बताओ बात क्या है इससे बढ़ेगी इससे बढ़ेगी में क्या करते हैं इसमें करते हैं एक फॉर्मूला याद कर लो मेरे कहने थे भाई 2/2 + θ n कर लो
इतना तो कर सको भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू 90 डिग्री प्लस थीटा, मल्टीपल ऑफ एन टू पाई बाई टू इंटू थीटा। ये कब हो जाएगा, साइन कैम हो जाएगा, ये कॉस में हो जाएगा, कॉस कैम और नहीं टैन कैम हो जाएगा, कोट में कन्वर्ट और सेक सेक हो जाएगा कोसेक। ये क्या होगा, ये सेम फंक्शन रहेगा, क्या आएगा सेम फंक्शन। आगे दिक्कत तो नहीं भाई, ये कब होगा, ये कब होगा, इफ एन इज ओड, ये कब होगा एफ एन इज इवन, यानी अगर पाई बाई टू का मल्टीपल इवन है तो सेम रहेगा, सेम। अगर एन जो है ओड है तो ये साइन कोस में जाएगा, कोस साइन, लेकिन जो थीटा है, थीटा ही विल बी टू द एक्यूट एंगल। शर्त क्या है, थीटा कैसा होना चाहिए, एक्यूट मीन्स लेस देन 90, लेस देन 90 एक्यूट कहते हैं, जिसे न्यून कोण का एंगल है भाई। ये बात समझ में आ गई क्या कहा मैंने। अब मुझे कोई एक एंगल बताओ जिसका मैं नाम निकालने वैल्यू निकाल सकता हूँ, कोई बोल रहा एंगल अपनी तरफ से साइन 180 डिग्री, कुछ और बोल देते मतलब वो तो फेंक दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा साइन 180 की वैल्यू क्या है मुझे तो पता थी, साइन पता नहीं थी जीरो, इन्हें वैल्यू जो पता ऐसे ही बोल ले सारी, और 180 से क्या कमी बोल लो, मतलब कोई और बोल ले इससे अलावा, साइन 145 डिग्री, ये अच्छा है साइन 145। यहाँ तो बात नहीं होगी, इसकी वैल्यू मुझे पता पता है 145 नहीं 90 प्लस 135 होता है, 90 प्लस 135 होगा ना, होगा तो इन्हीं के रिश्तेदार होने चाहिए, रिश्तेदार इन्हीं की वैल्यू निकलेगी, तो साइन 17 की पढ़ा की कोर अच्छा की बहुत बड़ी होती है, रूट वूट में पॉइंट मारती है, लेकिन इनके रिश्तेदार होने चाहिए, देखो सीधी ये बात है ठीक है। 90 में प्लस जुड़ जा माइनस हो जाइए, तो 90 प्लस 45 कितना होता है 100, 90 प्लस 45 135, इसलिए 145 की नहीं चलिए। यहाँ तो दिक्कत तो नहीं भाई, साइन ये क्या पाई बाई टू मल्टीप्लाई कितना मल्टीप्लाई करूँ, वन 135 मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई पर 9 पाई बाई टू कितना आ गया 90, तो क्या कर सकूँ 90 वन मल्टीप्लाई वन कर दूँ और प्लस 45 भाई, ये नहीं होगी भाई, 90 गुणा 1 प्लस 45, एक कौन ये इसमें फिट बैठा, इसमें फिट बैठा और कौन से में बैठ रहा, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये कोस में कन्वर्ट, कोस थीटा में, थीटा का मतलब 45, कोस 45 की वैल्यू कितनी जाएगी 1/2। आसान है मुश्किल है, अब तुम यू कहो कि इसका जो साइन होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन आएगा, क्या आएगा इसका जो साइन आएगा, प्लस का आएगा या अकॉर्डिंग टू दिस की हैसियत के अनुसार, यानी अपने हैसियत के अनुसार पहनना है भाई, यानी जैसे मान लिया अभी मैंने हैसियत बताई थी, हैसियत है सबकी ASTC, ये तो हैसियत बताई थी मैंने सबकी, जैसे यह क्या था 0, 90, 180, ये क्या था 270, फिर 350, ये तो था भाई, भाई साहब की क्या बात है, कितनी है 135 135, कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा, सेकंड किसका घर है, तो भाई साहब अपने घर में क्या होगा, शेयर होगा प्लस का या माइनस का, प्लस का भाई साहब, प्लस की रहेंगे तो। अब मैं कह रहा एक और वो एंगल बोल लो कोई, वो अच्छा तुम यू गो जी, अब तुम्हें एक ध्यान कहना चाहिए था तुम्हें, अब यू भी तो कर सको ही है साइन, ये थीटा एक्यूट एंगल है, मैंने क्या कहा था थीटा शुड बी एक्यूट एंगल, ये कहा था थीटा शुड बी एक्यूट एंगल है, मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, इसे यू भी कर सकूंगा भाई, मैं देखी जरा पाई बाई टू मल्टीप्लाई टू माइनस क्या जगह भाई 180 में
पाई आ जाएगा 180 माने 40 बाय 35 नहीं, ये नहीं कर सकता, ये भी कर सकूँ। अब ये क्या आ गया, अब क्या आया, अब कौन सा मिलेगा यो सर, इवन मिलेगा, इवन क्या रहता है सेम फंक्शन, तो साइन जुगा सू रहेगा, क्या रहेगा साइन, ये देखो फॉर्मूला है, देखो ये लिख रखा है एनी इवन तो सेम फंक्शन 45 और कहाँ से आयो, कौन सा है 145, कौन से वहाँ पड़ेगा यो पहले माँ, पहले मतलब सारे सब कुछ रोल का मतलब जैसे पार्क हो, मंदिर मस्जिद हो, सब जा खेल रहे हैं भाई, तेरे बाप की मारी कहते नहीं है, और सब खेल लेंगे यहाँ लड़ाई बच जाए, तो साइन इसका ना 45 कितना होता है 1/√2, और निकाल लो कोई सा भी एंगल निकाल के दिखाओ, कोई पढ़ा था बोल दो, इसका मतलब हर एंगल की वैल्यू निकल जाएगी, वो एक और निकाल लो कोई सा 100 देखो जो चीज मैंने बताई थी पहले से, माइनस कोस माइनस थीटा का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है कोस थीटा प्लस आ गई, ये भाई साहब खत्म हो गए हो गए, कोस 210 कोस है, अब इसे 90 में तोड़ लूंगा, क्या जाएगा बोल लो, कोस 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 प्लस 30 तो कहा भाई तुमने मुझे, ये नहीं कहा, यानी कि 2 × 90 प्लस 30, 90 × 180 210, और कोस ये इवन है ओड है, ओड है तो क्या रहेगा ओड है, क्यों तब इवन हो गया, चलो अब कितना आ जाएगा सेम फंक्शन में क्या आ जाएगा बोलो, कोस 30, कोस 30 की वैल्यू कितनी हो है, कितनी होती है √3/2, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, अब भाई साहब कोस 210 कहाँ पड़ेंगे, इस घर में पड़ेंगे, ये किनका घर है भाई साहब का, और निकालो आ रहे किसकी वैल्यू हो कोस की, भाई साहब सेंटर में रहेंगे यहाँ, तो चलो क्या था जाएगा साइन माइनस, सोच के ठहेंगे गिलास भी गिलास ठा लूगा, अब पानी पी लूगा, कुछ है पानी है ये तो है, तो माइनस के √3/2 ये आया माइनस, अब बताओ दुनिया कोई भी अंग निकाल सको, अब तो फॉर्मुलेटर इतनी हो टेबल याद हूँ बी वे यू है वह याद करने की जरूरत तो नहीं, ठीक है ना, तो कुछ आगे बढ़े भाई, बढ़े बढ़े फॉर्मूला लगा भाई सेट एकदम, ये किताब मैंने भी लिखी है, कौन ने पढ़ा था, कब यही चाहिए पढ़ी थी फिर आ गई थी, तो और चल जाए, अरे अरे इवन नहीं बता रहे, तो और तुम जब जाओगे पढ़ा जब जाओगे हाल था, हमें कन्फ्यूज हो गई, चलो तो नहीं हो फिर आगे देखते हैं, अभी देखो याद करनी हो रिलेट से याद करो, याद भी रहती है रिलेट कर लिया, जैसे कोई नाम है कि भाई अच्छा उसका नाम, जैसे ये ऐसे स्कूल से तीर है वो इस तरह जल्दी याद रहता है, अगर जू तो याद हो फिर भूल जाता है आदमी से, जैसे मान ली है जैसे ये मैंने 0/4 तीर 3/4 बताए थे, वो कभी नहीं भूलना आदमी से, भाई एक लाइन याद कर लो सारे,
हाड़ी भाई। देखो अब क्या है इसमें, साइन देखो, अब एंगल देखो, फॉर्मूले हैं तुमने ये पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस नहीं साइन ही, चलो साइन ही कर ले, साइन ही कर रहा खा रहे हैं, 270 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, इनकी वैल्यू नहीं, ये तो ढेर सारे फॉर्म, ये तो बहुत सारे किताब भर दिया, ठीक है मैंटी में ये सारे यार, ये तो अब मैं पूछूँ साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, ना टेन कोस एक थीटा, यूँ बोल दो जहाँ है, अब प्लस का माइनस का, प्लस का ना माइनस का, माइनस का ना प्लस का, यू डिफरेंस हो जाए। अब मैंने बता देता, देखो ये भी वही है, फाइव बाई टू है, मल्टीपल क्या है, वन का रटने की जरूरत तो नहीं, वो इवन है, ओड ओड है ना, ओड में क्या दिया, साइन कन्वर्ट हो जाएगा क्या है मैं, फिर वही मैं एक फिगर वो बनाना, फिर बताना तुम्हें, ये भूलिए ये ओल एफ टी सी है, ये 90, अच्छा 90 से ये थीटा कैसा एंगल होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए 90 से छोटा, 90 में से 90 से छोटा घटाऊंगा तो 90 ही छोटा बचेगा, बड़ा बचेगा, तो कौन से में आएगा ये, फर्स्ट में सारे कैसे हों, प्लस के, तो भाई साहब ये सारे प्लस के रहेंगे, साइन 90 में थीटा में क्या है सारे, क्योंकि भाई साहब सारे ही आएंगे, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये 90 मल्टीप्लाई क्या आएगा इसका, वन ही आएगा, पाई बाय टू, तो वन है तो इवन है, ओड बदल जाएगा, साइन क्या बदल जाएगा, कोस में, तो क्या आएगा, कोस थीटा, लेकिन भाई साहब 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ सेकंड हो जाएगा थीटा, क्योंकि एक्यूट एंगल है, नहीं थोड़ा छोटा ही जाएगा, तो ये क्या का घर है, तो साइन भाई साहब प्लस मा, अगर मैं यही कह देता टेन 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस, हाँ तो क्या आएगा, माइनस माइनस कोट, ये रटा है जो फॉर्मूले से आया है, यह पहली रट रखा, देखो ये ओड है, ओड है तो क्या आ जाएगा, टेन क्या में कन्वर्ट हो जाएगा कोट में, ये 90 प्लस करूंगा भाई साहब साइन घर में घुस गए तो माइनस आ जाएगा उल्टा एकदम, अब साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो 2 मल्टीप्लाई 90 इवन है ओड, तो कैसा रहेगा साइन, घर कैसा रहेगा, कौन से घर में जाएगा, यो 180 प्लस थीटा कौन से घर में जाएगा, यो 3 किसका घर है भाई साहब का, तो इवन 10 छोड़ के सारे माइनस के जाएंगे, लिख लेगा तो या अलग लिख के दिखाऊं सारे, अब भाई साहब ये 180 माइनस थीटा इवन है ओड है, इसमें भी इवन है तो क्या आ जाएगा, सेम साइन क्या कर जाएगा, प्लस का माइनस का, साइन 180 माइनस थीटा कौन से माँ, साइन 270 प्लस थीटा क्या जाएगा, ओड ओड है तो क्या आ जाएगा, यो कोस में, कोस में है तो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड में किसका घर है, ये तो क्या आएगा यहाँ, सिर्फ टेन कोट को छोड़ के सारे, साइन 360 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, ये 360 माइनस थीटा है, क्या करे, हाँ कौन से हैं, नहीं इवन है, और पहले तो देख लो, इवन है तो क्या आएगा, साइन ही रहेगा थीटा, और कौन से में आएगा, ये 360 प्लस थीटा, 360 तो यहाँ आएगा, कौन से में रहेगा, और 360 माइनस थीटा, हाँ ओड में आ जाएगा, हाँ मतलब कोट में क्या, कोट है ये, कोट है ये, हाँ फोर्थ में तो जाएगा, लेकिन कैसा होगा साइन, साइन के लिए इसमें तो माइनस, अब बताओ ये सारी टेबल तुम्हारी जितनी वो दे रखी सारी याद हो गई नहीं, कोई रटने की बात तो नहीं, मतलब उस लाइन से चल के सारी वैल्यू, और जितने फॉर्मूले इसमें कम से कम 5-6 पेज भरता है वो किताब वाला है,
इसका पहले पहले किसके फॉर्म में लिखेगा वो साइन 90 माइनस फिर साइन 90 प्लस थीटा के फिर इसके फिर इसके इसके भी बता रहा है इसके भी बता रहा है मैंने बड़े रट करूँगा वो बहुत भारी चीज हो गई तो भाई दिमाग से लड़ा दिया बेटा ही बात है ना थोड़ी थोड़ी आगे बैठा अच्छी बात लगी या बढ़िया बात लगी या लगी नहीं आगे बैठे हैं तुमने तो पढ़ा कहा ये नहीं पढ़ा चलो मगर इतना ही पढ़ गया होगा तो फिर रोक का किसी ने पढ़ते रहते हैं कितने ऐसा है ना ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन का वो नहीं हो सकता उसमें देखो क्या है यहाँ 1.5 घंटे 90 मिनट का तो यहाँ भी होता है लगभग लेकिन यहाँ बोर नहीं होते ऑनलाइन 90 मिनट में बोर हो जाओ है नहीं तो साइन माइन भी कर दो यार जिस दिन क्लास चली दो तीन दिन चार लोग दो तीन चार ठीक है नहीं कर दो तीन चार आधा से दो तीन चार ठीक है भाई आगे बढ़े आपका भी नहीं अभी लिखवा दें इकट्ठे बैठ गए कोई हो गया भाई क्या सवाल है ये सवाल है थोड़ा अच्छा ज़्यादा था सवाल छोटा था क्या सवाल है देखिए देखो भाई ये है साइन की पावर 4 अल्फा साइन की पावर 4 अल्फा कोस की पावर 4 बीटा प्लस 2 = 4 साइन अल्फा कोस बीटा ये दे रखी सवाल अल्फा बीटे की वैल्यू है 0 to π/2 जीरो से पाई बाई टू के बीच अल्फा लाइव कर रहा हूँ तक बात ही है चैन से ये कर लो चैन कोई दिक्कत नहीं है यह लिखना चाहिए बिल्कुल ही इसकी वैल्यू निकालनी है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अब देखो क्या है अब मैं जो है इसका स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ भाई इसका फॉर्मूला स्क्वायर का इसका स्क्वायर का किसका फॉर्मूला बना सकता हूँ इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ठीक है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा फिर यहाँ हाँ ये 1 का स्क्वायर एक घर करा माइनस 1 का स्क्वायर ये कर दिया अब भी नहीं बात ये बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कर दिया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बीटा 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस
निगाह ही रखना है, मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? देखो इतना जोड़ा इतना घटाया, इतना जोड़ा, कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसी तरह किसके लिए मैं कोस की पावर 4 बीटा, क्या आ जाएगा ये कोस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर बीटा, और भाई साहब क्या आ जाएगा प्लस 2 माइनस 4, क्या आएगा प्लस 2 माइनस 4 साइन अल्फा कोस बीटा। यहाँ तक बात नहीं होगी, बोलो समझ नहीं आई? ये हो गया देखो a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये कहाँ तो अच्छा बराबर है ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई दिक्कत का दिक्कत नहीं, कभी कमजोर होगी मोबाइल लेके देखते हैं। क्योंकि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्या आ गया ए माइनस बी का साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वन का है भाई, सुनिए। अब भाई साहब क्या बचे इधर से कॉस बीटा, देखो ये भी इस्तेमाल हो जाएगा, ये भी इस्तेमाल हो जाएगा, ये भी इस्तेमाल हो जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस वन का, ये देखो ये भी इस्तेमाल हो गया था, ये भी इस्तेमाल हो गया, जो बचा होंगे सबको क्या कर लेंगे समेट लेंगे कुछ इकट्ठा ही, तो क्या आ जाएगा माइनस वन का स्क्वायर ये रहा है, और भाई साहब माइनस वन का स्क्वायर ये रहा, माइनस वन क्या आ जाएगा प्लस का, क्यों बेटे देखो इन दोनों फर्क होता है, एक तो होता है यू और एक होता है ये, फर्क नहीं है दोनों है नहीं? ये क्या है देखो पहले पावर बोलते हैं, ये है एक का स्क्वायर फिर बाहर माइनस है, इसका है माइनस वन का होल स्क्वायर, फर्क नहीं है दोनों, ये एक ही है, बोलो कौन सा है कौन सा, ये वाला है ये वाला है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा कौन सा आएगा इसका आंसर, बोलो माइनस वन, और ये माइनस वन माइनस वन माइनस के टू, बोलो माइनस के टू, और अभी तो लड़ाई हो गई थी चिन्ह बोले प्लस टू, क्या आएगा ये सारा क्या जाएगा इसी बात, क्या बचेगा फिर बचेगा क्या क्या बचेगा बोलो माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा, कहाँ इस्तेमाल करा था भाई ये भैया टू साइन स्क्वायर अल्फा और टू कोस स्क्वायर बीटा, टू और माइनस के फोर साइन अल्फा कोस बीटा, तुमने कहा था कि थे माइनस लगा के चाहे जीरो कर लो, तुमने तो बताया था मुझे, दिक्कत नहीं है यहाँ तक की तो अपनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब मैं क्या करता हूँ समय से, ये समझ में नहीं आ रही भाई बात, भले पढ़ा था पढ़ो समझ में तो आ रही, इन दोनों में से क्या करता हूँ, इसमें से भी टू कॉमन, इसमें से भी टू कॉमन, और इसमें से भी तो टू कॉमन ले क्या बचेगा भाई, पहले इसके टू कॉमन ले क्या बचेगा बोलो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा माइनस टू साइन अल्फा कोस बीटा बराबर जी, क्या कह रहे सर मैं ये सोचती फॉर्मूला बन जाएगा साइन टू थीटा का, मगर इसमें एंगल सेम है। अच्छा साइन टू पॉइंट हो चुके आप, इधर क्या आएगा माइनस टू प्लस टू, जब इसे भी जब लिख रहे हैं तो इसे भी लिख लिया बेचारे को, ये है नहीं माइनस वन माइनस वन है, अगर डिपार करें एक लाइन बढ़ाने की जरूरत पड़ गई, ये क्या आ गया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बीटा माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू साइन अल्फा माइनस कोस बीटा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर बनेगा और इज इक्वल टू मान नहीं, ये इसके बिना काम चलना ही नहीं है, हम इसके बिना काम चलना ही हमारा है, हम सोच रहे थोड़ी सी मेहनत से हो जाए बेचारे,
जगह की कम पड़ेगी यार, है नहीं ले लो। अच्छा ही बच्चा पूरा जाती जाती भाई अब जी देखो सर क्या कर दिया हमारे यहाँ बना गए किसी ने कर दिया है। देखो कोई बात नहीं ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा या अब बोलो क्या कहते हैं आप कुछ कह रहे हैं। हाँ अरे नहीं यहाँ तक तो बात नहीं आ गई ठीक है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है साइन अल्फा प्लस कोस बीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है जीरो है। इसकी वैल्यू जीरो कब हो सकती है इस लाइन की जीरो अकेले लगाओ इसकी वैल्यू कब जीरो हो सकती है। इसकी वैल्यू जब जीरो हो सकती है अगर देखो इसकी अल्फा बीटा की जो एंगल की वैल्यू है जीरो टू पाई बाई टू है, जीरो टू अगर जीरो टू पाई बाई टू है साइन की वैल्यू तो साइन जीरो की जीरो पाई बाई टू वन, जीरो टू वन वैल्यू लिए थी इसकी जीरो से मिनिमम जीरो हो जाएगी मैक्सिमम कितनी रह सकती है। इस तरह कोस के लिए भी भाई जो साइन में वैल्यू है वही कोस की ली जाती थी टेबल में बनाई थी, कोस के लिए भी कितनी वैल्यू रह सके मिनिमम जीरो से वन तक के, ये तो बात है। अच्छा ये जीरो कब हो सकता है देखो ये तीन नंबर है एक दो तीन, तीन नंबर कब जीरो हो सकते हैं एक शर्त ही हो सकती है कि तीनों ही जीरो बोल सकते तीन जीरो का सम कितना आता है ये तो सुनने वाला कोई दिक्कत सुनिए। अच्छा ये जीरो कब हो सकता है भाई इसका साइन अल्फा इक्वल टू वन हो ये कब जीरो हो सकता है इसका भी वन ये कब जीरो हो सकता है साइन अल्फा इक्वल टू कोस बीटा या अल्फा इक्वल टू बीटा है भैया साइन अल्फा इक्वल टू कोस बीटा आ जा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कट ही जाएंगे ये अल्फा इक्वल टू बीटा वही नहीं कर रहा मैं ये कोई जीरो कब हो सकता है बाय द इट इज क्लियर लिखेंगे कि अगर तुम्हें दिखाना है कि किसी को इट इज क्लियर दैट द वैल्यू विल बी टू द जीरो इफ साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई वन और कोस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई वन आ नहीं गई इसकी कोई जरूरत है नहीं वैसे तो इस तरह ही काम चल गया। और वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे साइन अल्फा प्लस कोस बीटा साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई वन प्लस वन ये भी आसान है या मुश्किल है नहीं मक्खन जैसा है बढ़िया है कि भाई तुम्हें समझ नहीं आया तो नहीं कहाँ तक समझ में आ गई बात देखो अकल लगाओ थोड़ी सी अकल भी तो वो चीज़ दुनिया में होती है ये कितने नंबर हैं वन एक कितना नंबर है ये कितना नंबर है यहाँ तक तो बात समझ आ गया इनके स्क्वायर भी हैं साथ में और टू का मल्टीपल भी है मतलब तीन नंबर हैं एक दो तीन इन तीनों का सम कब जीरो हो सकता है तीन नंबर हैं उनका सम जीरो कब हो सकता है एक शर्त है तीनों का सम क्या है तीनों क्या हों तीनों के स्क्वायर भी तो हैं ये नहीं जीरो का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर और जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो कितना आएगा भाई आई नहीं बात नहीं आ अब ये जीरो कब बन सकता है भाई अगर साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो तो वन माइनस वन जीरो नहीं आ जाएगा यही लिखा कि साइन अल्फा की वैल्यू वन होगी ये जीरो कब बन सकता है अगर क्या क्या की वैल्यू हो कोस बीटा की वैल्यू कितनी हो तो वन का स्क्वायर कितना हो तो वन माइनस वन कितना आ जाएगा तो यह आ गया ये दोनों इक्वल होंगे इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे तो मुझे लेकिन दोनों इक्वल होंगे जब जीरो हो जाएगा अब भी नहीं बात नहीं तो यही लिखा मैंने साइन अल्फा इक्वल टू वन और कोस बीटा इक्वल टू वन अब इसकी निकालनी इसकी वैल्यू मुझे प्लस तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वन प्लस वन कितनी आ गई टू आ गई इतनी आई बात नहीं
क्वेश्चन तो लिख ही दिया होगा। देखो क्या सवाल है, पकड़ना है इस टाइम। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x 4 अपॉन इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 कोस एक्स माइनस 3 फाइंड द रेंज। रेंज सुना नाम सुना नहीं है, कहाँ सुना? रेंज और डोमेन होते हैं, कहाँ सुना? हाँ सेट में सुना, रेंज और भी वैसे सुना कहीं, वैसे कहीं चलो तो मैथ से अलावा कहीं जिंदगी में लाइफ में इस्तेमाल होता होगा रेंज ना, मतलब लाइफ में तो मैथ में बता रही हूँ लाइफ में तो उससे रिलेट करेंगे ना, है नहीं? ठीक है, तुम सेट से पढ़ा, रेंज भी आ रहा है हमारा, डोमेन भी आ रहा है, कई चीज़ें पढ़े हैं, वही जा रहे हैं नहीं समझ में आ तो पढ़ लिया, यहाँ क्या समझ आ सुना तुमने बेटे रेंज गई सुना ही तुमने दादी जिंदगी सुना आया तुमने सबने सुना। छोटे छोटे बच्चे पता नहीं मुझे तुम खेल तो नहीं ना, छोटे छोटे बच्चे खेल लो जहाँ फ्री फायर खेला, देखा देखा वो क्या गया, मार मार कौन क्या है कह मायो, अब देखिए रेंज में है तो बताओ, तुम तो सुनाया तुमने बताया क्या हो रेंज में, जब कोई शिकार करेंगे रेंज में मार गोली से, जब वो अमीश भी मारेंगे रेंज मार गए मार दो, या मोबाइल का रेंज ही नहीं आ रही, ये तेरे तो बात सुना तुमने यार, तुम कहते नहीं वो क्या हुई रेंज क्या मतलब समझे, अब समझ में आ गया रेंज आ गई समझ में पक्की, यानी जो मेरी पकड़ में कहाँ से कहाँ तक आएगा, जो ये बता रही थी कहाँ से मेरी रेंज में क्या है, यानी कि यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, मैक्सिमम और वही तो होगी रेंज। जैसे मान लिया ये इस बोर्ड की रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक की, आदमी की रेंज भी घर जहाँ तुम घर जाते होंगे सबके अपने घर होंगे यकीनन उम्मीद है, तो आदमी क्या तुम्हारे पापा ने एक रेंज बना रखी उसकी, एक तो इधर घर कराओ दीवार पर लिखी, एक इधर है एक इधर है एक इधर, ये छोटा दरवाजा बना दिया होगा पापा ने, कोई यहाँ पर ये हो घर की क्या भी तुम्हारी यहाँ हो नहीं, तुम इसके बाद चाहो चाहे बर्तन खाओ चाहे इनको चाहे जितने रुकेदार हो, तो इससे ये इसकी रेंज होगी तुम्हारी। तो अब जो है, अब मान लिया मैं कह जाऊँ कोस एक्स है, कोस एक्स की क्या रेंज हो सके, कहाँ से क्या क्या वैल्यू हो सकती है कोस एक्स की, मेरी है नहीं पाई तो वो तो डोमेन हो गया, वैल्यू कितनी होती है वैल्यू इनफिनिटी तो होता है कोस में टैन वाला इनफिनिटी, हाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, अरे वो टेबल था नहीं यार, मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 1 नहीं थी, अरे मिनिमम कितनी थी, मिनिमम कितनी आ सके कोस की माइनस 1 भी तो आ सके, तो कोस की जो रेंज होगी वो होगी माइनस 1 टू, नहीं बात में पता, अरे अभी मैं पूछा था क्या पूछा था, अब तो समझ में आ गई, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, मतलब क्यों आई, क्योंकि देखो वो जो है मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो 1 और इसकी कितनी है वो, यहाँ तो बात नहीं आ गई भाई, इसका आगे सवाल आ गए तुम्हें, वैसे तुम्हें पता है मैं बताऊंगी नहीं करता पढ़ लिया, अब क्या है कोस एक्स की वैल्यू, देखो यही सवाल यहीं से शुरू होगा, मेरा सवाल एकदम निकल गया बता दिया, अब क्या होती है बस, अब तो सभी की याद आ गई, कोस एक्स इज इक्वल टू 1 टू माइनस 1 है भाई, अब क्या करा मुझे, देखो अब मैं इसे देख के शक्ल ना करूँगा आदमी को, जो आदमी पैसे तो बनाना मुझे ये तो मुझे पता है ही, लेकिन वी नो दैट हम जानते हैं इसे 4 कोस एक्स चाहिए, देखो ये क्या चीज़ कहलाती है, ये क्या चीज़ है यार, ये
इनइक्वालिटी क्या हुई इनइक्वालिटी? हाँ यू तो लेस देन इक्वल टू मतलब क्या होती है, क्या चीज़ है? पढ़ा है तुमने कभी इनइक्वालिटी? पढ़ी होगी तो मतलब देखो अगर तीन नंबर हैं ए और बी में तीन ही कंडीशन होती है हमेशा, क्या कंडीशन होती है? या तो ए बी से या ए बी से छोटा होगा या ए बी के तीन तो कंडीशन होती है, ये लाभ भी है। तो ये क्या चीज़ होती है इसमें कहना इनइक्वालिटी, ए कभी कभी बी और ए के बड़ा भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, ये भी लिख सकें। तो इनइक्वालिटी क्या होती है ये हैं? ये ऐसी चीज़ होती है जैसे आपने कहा कोई तुम्हारा दोस्त है घर में आने जाने शुरू हो गए गाँव में, कोई ऐसा जो आते जाता होगा खाना वाना भी खा लेता होगा, और भाई जैसे रात को खेत में जा रहे हैं भाई चलिए आ फिर वहाँ से आ रहे बिठा के चले गए हैं, या शहर तुम आ रहे हो चला जूते लेने जा रहे हो, जूते तुम जा रहे हो दोस्त चलता नहीं था तो उनसे क्या है जब उन्होंने तू तो भाई जैसा कि यार ऐसी बात थोड़ी, मतलब भाई जैसा है भाई नहीं है, उसे क्या बताया तू भाई नहीं है क्या है भाई जो इक्वल जैसा है, जो इसकी जो प्रॉपर्टी है इक्वल जैसी होती है, प्रॉपर्टी कहती है लगभग लगभग क्या कहा सारी नहीं और भाई जैसा है इक्वल के जैसा। तो जब ये इक्वल जैसा है ये तो जो इधर करूँगा वो इधर करूँगा जिस तो इक्वेशन वगैरह हैं, तो मुझे क्या चाहिए फोर, तो क्या आ जाएगा फोर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा माइनस फोर इनइक्वालिटी फोर कॉस एक्स लेस देन फोर, यहाँ से बात समझ आ गई, फर्क तो नहीं पड़ा कुछ। अब क्या चाहिए मुझे इसमें माइनस थ्री दिक्कत तो नहीं है भाई आधी बन गया कुछ जो लगा दे कुछ कुछ हो रहा, माइनस कितना जाएगा अब भी नहीं दिक्कत आई, उल्टा कर दी है कहाँ से आया ये माइनस थ्री कहाँ पर कहाँ गया गया भी नहीं तो यहीं रखता हमने, अब तो आ गई हमने छोड़ा इंदा हमारे से गलती हो गई थी भाई, अब भी दिक्कत आई आगे बात में। अब क्या करते हूँ इसे वन फोन में चाहिए हम तो सीधे साथ ही देखो एक हो रहा है अगर कहीं ए इज ग्रेटर देन बी है वो उसका उल्टा कर दें तो वन फोन ए और वन फोन में क्या आ जाएगा उसकी न्यूट्रलिटी भी चेंज हो जाता है टाइम बताओगा ये भाई। अगर मान लिया इसको जो है हम जो है चेंज करते हैं रिवर्स करते हैं नंबर तो उसका इनइक्वालिटी का भी साइन क्या हो जाता है रख लो मेरे बात को ज़्यादा ध्यान देगा। अब मैंने क्या करा इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करके क्या आ जाएगा बोलो वन अपॉन पहले से तो उल्टा कर दूँ ये क्या आ जाएगा और ये ठीक आदमी की तू रटने वाली बात नहीं देखो आदमी से लग गया है लगा हमने कुछ कर लेंगे हैं रेंज है? कहाँ होगी रेंज तो थोड़ी सी भारी ही होगी थोड़ा सा जो बढ़ेगा काम बहुत सारे होंगे कोर के नंबर बहुत सारे होंगे एक ही हो ये क्या है 3000 भी हो 4000 का मान निकाल ही दिखाओ तो सबका निकाल लेंगे निकाल ही लेंगे ऐसे भी तो होंगे। तो क्या कह गए अच्छा यहाँ तक बात में आइएगा भाई मान दे बताइए अब क्या करा इसकी वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू वन अपॉन फोर कोस एक्स माइनस थ्री इज लेस देन जीरो और माइनस के वन बाई माइनस के वन बाई एक तो ये हो गया भाई जीरो है और एक क्या हो गया जीरो से वन तक हो गया एक जीरो से वन तक हो गया जीरो से या क्या हो गया ये ब्रेक कर ली मैंने क्या कर ली इसको ब्रेक कर ली क्या कर ली इसको इसको मैंने ब्रेक कर ली क्या कर ली मैंने क्या कर ली मैंने इसको ब्रेक कर ली है क्या कह रहे
कितनी वैल्यू है कितनी की? 1/7 है ना, तो बात हमें कहाँ तक हो सकती है? ये हो सकती है माइनस इनफिनिटी, ये तो कितने में आ गई, मतलब ये लेस देन कहाँ तक की हो सकती है? इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी तक की। यो वैल्यू प्लस के अब आगे सुनो। तो अब ये दो हिस्सों में टूट गई, इसका मतलब वैल्यू कहाँ गई थी? माइनस इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी टू यहाँ से कहाँ तक के? माइनस 1/7 यूनियन क्या गई? यूनियन क्या गई? हाँ 1/2 तुम्हारी समझ में नहीं आई बात आ गई। तो इसका ये आई आई टी में ये सवाल, ये आंसर है, ये आई आई टी में आया हुआ सवाल, बहुत अच्छा सवाल, कोई रटने वाली बात नहीं है। अच्छा देखो भाई, अब देखो ये ना थोड़ी सी अकलमंदी क्या करनी, देखो ये एक तो यू है, यू इधर है, अलग अलग है, देखो ये ब्रैकेट के ध्यान रख लियो भाई। इसका मतलब मैंने बता रखा, अगर यू है, यू और यू में क्या फर्क है भाई? कुछ फर्क है दोनों में, हाँ इसके अंदर ये बता रही कि ए टू बी, ए नहीं है ना बी, ए से बी तक ही आस पास, और इसके अंदर ए और बी इन्वॉल्व है, ये फर्क है, मतलब बी के बी तक क्या है? बी तक कहाँ है? मैंने कहा भाई एक से नौ तक गिनना, अब वो कहेगा अगर नौ भी है, नौ बी है उसके अंदर, फर्क है ना दोनों में? फर्क नहीं है, है नहीं, ठीक नहीं है। चलो ये आगे बढ़े भाई, सवाल भी लिख लिया हुआ सवाल दे देखो क्वेश्चन है ये कि टेन वन डिग्री, क्वेश्चन क्या है ये? टेन वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री, फोर अप टू टेन 89, इसकी जो है वैल्यू निकालनी, क्या वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू, क्या वैल्यू होगी भाई इसकी? क्वेश्चन में रहा थोड़ा सा एक दो तीन चार ही नंबर है, बहुत सारे हैं जिसको कहते हैं ना,
अब 1, 2 नेचुरल नंबर लिखने, 3, 4 एंड 4। चलिए कितने नंबर आए, ये 3 टुकड़े हैं। अगर यहाँ टुकड़े थे वो बोले 4 और नंबर हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अच्छा कितने नंबर होंगे यार यहाँ से यहाँ तक के, 1 से लेकर 89 तक के कितने नंबर होंगे? 89 ना, दिक्कत तो नहीं, तो बच्चों वाली गिनती। मैं क्या करता हूँ, ऐसे दो नंबर ले लूँ जिनका सम 90 हो, तो टेन क्या जाएगा बोल लो, टेन 1 टेन 89। देखिए इसका सम 90 नहीं है, इसके पीछे क्या आएगा यहाँ, इसका यडी किधर है यहाँ, कौन सा यडी, टेन टू यडी होगा, टेन टू टेन 88। फिर आगे टेन थ्री बोल लो, टेन 87। फिर आगे भाई टेन फोर, फिर आगे फिर आगे 10 86। फिर आगे अच्छे सारे पूरे हो जाएंगे, कुछ बचेगा भी, ये सारे सारे पूरे जाएंगे लड़ लड़ के, दो 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 मिला के हैं पूरे हो जाएंगे जी। बोल बेटे हैं जाएंगे, तुम्हारी क्या अकल काम करती है, ये बचेगा यूं या यूं ही चल जाएगा। हाँ ये तो सही बात की इन्होंने, बिल्कुल सही, मुझे भी नहीं पता थी ये बात, तो इन्होंने बताई मुझे, इन्होंने भी कहा कि दो का जोड़ा तो समी तो जिसका टांग जुफत खेलना है गाँव में, ये तो सारे जुफत जुफत के हैं, कितने हैं 89, इसलिए एक बचेगा, कौन सा बचेगा, बचेगा तो एक ही, तो बात तय हो गई, एक बचना, बिल्कुल सही कहा। तो वहाँ यू लिखना मुझे यहाँ, ए हाँ ए एंड यू करके ए हाँ लिखना, टेन लिखना, कौन सा बचेगा भाई, अकेले काम कर सकेगा कुछ छोटी, हाँ सोचने की तो, हाँ मैंने भी देखो देखो 189 288 387 486 585 इस तरह हल्के हल्के थोड़ा क्लिक होगा, अभी मैंने बताया था बेटे, क्या बताया था मैंने तुम्हें कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, नहीं इसका भी सम, इसका भी सम, इसका भी सम, एक नंबर ऐसा होगा जिसका कुछ जुड़ के 90 आना ही नहीं, जैसे वो क्या होगा 10 39 में तो आ जाएगा, देख 39 का तो यार रखा दे 49 के 1 और देखिए 1 और 51 रखा देगी, रियाली नहीं रखा 51 10 45 बीच में 45 भी आएगा, ये 10 45 में अगर 45 है 90 जब आता है, एक ही तो 40 आएगा, दो 45 आएंगे, 45 में 90 कब आ सकता है, 45 में 90 कब आएगा, 45 प्लस करके, और 45 कितने इसमें, एक है दो, तो भाई साहब ये खेल ले रहेंगे और सारे क्या रहेंगे जोड़े। अब है ये 10 1 10 89, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 1 10, इसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 1, दिक्कत तो नहीं है भाई, दिक्कत है बैठे पता नहीं क्या, तो जैसे कोई दिक्कत सी हो गई, मैंने कुछ स्कोर कर दिया, वो 10 2 कितने आ गए 88 में क्या आ जाएगा 10 90 माइनस, मैं बेटे ठीक है, फिर क्या आएगा 10 3 10 90 माइनस 3, फिर आ गए बेटे एंड सो ऑन, कितने आ जाएगा 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए लिखते हो यहाँ, और सारे क्या है माँ भाई, मल्टीप्लाई माँ, ये भी ध्यान रख लियो, फिर एक और लिख सकूँ मैं यार, ठीक है अब यहाँ तो बात समझ आ गई, हो गया सवाल, ये हो नहीं गया, बताओ क्या आ गया आंसर, अब तुम्हें तो कह देते हो गया, देखो 10 1 डिग्री झुका दूँ भाई, 10 90 माइनस थीटा क्या इक्वल होता है भाई,
अभी बताया था मैंने कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू कोट वन, ये कितना जाएगा टेन टू कोट टू, ये कितना जाएगा टेन थ्री कोट थ्री, अब भी नहीं बात नहीं। और ये तो वन है तो खत्म ही हो गया। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोट, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली क्या जाएगा टेन थीटा मल्टीप्लाई इक्वल टू, यानी कि इफ दे आर एंगल सेम द मल्टीप्लाई ऑफ टेन एंड कोट विल बी वन, अगर टेन और कोट के एंगल सेम हो दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आती है, देखो भाई यही हो गया, चाहे कोट को वन अपॉन टेन कर लो एक ही बात है, ये भी वन, ये भी भाई साहब वन, ये भाई साहब वन, अरे यहाँ वन रखे ही है, तो अन्य के पीछे क्या है मल्टीप्लाई वन, तो वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन, तो क्या आएगा वन। आसान बढ़िया सवाल है, मक्खन की तरह किस तरह सवाल है, अच्छा नहीं है आसान ही था, अब तो कर लूँगे उतारने उतार और आगे देखते हैं। तो भाई आ रहा कुछ थोड़ा थोड़ा सुनो, बढ़िया ही सवाल है, पढ़ाता ये भी नहीं पढ़ा आधे भाई छोड़ दी पढ़ाई है। जरा सा भी नहीं बचा है, देखो भाई क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन डब्ल्यू प्लस साइन जेड इक्वल टू माइनस फोर, इफ अगर ऐसा हो तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 400x साइन की पावर 300y साइन की पावर 200w और साइन की पावर 100z, इन सब की वैल्यू कितनी होगी, साइन की पावर 100z, इन सब की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं भाई इसकी, सवाल तो समझ में आ गया ना, क्या सवाल में कोई दिक्कत है। अब देखो अब मुझे पता है गिवन है, क्या गिवन है भाई,
क्या गिवन है बोलो? साइन एक्स, साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन डब्लू प्लस साइन जेड इक्वल टू माइनस। इन चार नंबरों का सम क्या है? माइनस फोर है। एक कंडीशन क्या हो सकती है, सिंपल कंडीशन भाई, देखो जो साइन की वैल्यू है कहाँ तक आती है, अभी इन्होंने बताया, मुझे नहीं पता था, माइनस वन टू ने बताया था मुझे, ये नहीं बताया था। इसमें दस पचास को रख नहीं सकते, वैल्यू रख सके हैं, माइनस वन टू वन की भी लाइव करेगी हैं भाई। इसमें से जिस तो मैं अभी एक सवाल बताया था, इसमें से माइनस चार कब आ सकता है? हाँ शाबाश, यही कहना चाह रहे कि इसकी वैल्यू माइनस वन साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की नहीं, इसकी वैल्यू माइनस वन, इसकी वैल्यू इसकी भी, एक्स की भी है भाई। बोलो कब आ सकता है? वो एक ही कंडीशन है या और भी कंडीशन है? और तो अगर यहाँ बन रखूँ फिर जीरो आ जाएगा है, कुछ का कुछ आता रहेगा, तो सिर्फ वही कंडीशन है। तो सुनने में आ रही वगैरह कर लगे तो क्या आएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई इज इक्वल टू साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन जेड इज इक्वल टू, ये चलो बड़ा कर ले चाहे छोटा कर ले, एक बार एक ही दैड करना, कैसा करना चाहिए, दैड इज इक्वल टू माइनस, यानी इन सब की वैल्यू माइनस वन है, वही एक कंडीशन है, देर आर ओनली वन कंडीशन दैट द विल बी टू द साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई इज इक्वल टू साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन जेड इज इक्वल टू माइनस वन। और वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे भाई, बोल लो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो अब तो सिनेमा आ गया होगा थोड़ा थोड़ा है नहीं भी। आ गया क्या आंसर बताओ? साइन 400 एक्स, साइन की वैल्यू कितनी है एक्स की, माइनस वन, तो माइनस वन की पावर 400 प्लस माइनस वन की पावर 300 प्लस माइनस वन की पावर 200 प्लस माइनस वन की पावर 100 माइनस वन की पावर 400 माइनस की पावर कितनी है, इवन है, इवन आएगा तो क्या आएगा, प्लस का आएगा, और वन की पावर कुछ भी कर दो वन ही रहता है, यहाँ भी वन, अरे यहाँ भी यहाँ क्या आएगा, हाँ ये बता रही भाई, ये कोड है, कोड है, इवन है, कोड है 300 ओड हो पता नहीं, थ्री देख रहे हो, थ्री है इवन, फर्स्ट टाइम देखते हैं, अच्छा पता नहीं है। देखो इवन और ओड क्या होता है, वो नंबर जिसके यूनिट पहले पे क्या आता है, 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो क्या नंबर होता है, इवन होता है। ये कहते हैं ए नंबर विच विल बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई टू, दो से पूरा पूरा भाग हो जाए, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा है, जीरो बचा है, या यूँ कह दो, या क्या पहचान है, देखती पहचान ला, द यूनिट पैलेस हैव 0, 2, 4, 6, 8, तो यूनिट पैलेस इसका क्या है, क्या यूनिट पैलेस का, क्या जीरो ही रखा यूनिट पैलेस, ये नहीं होती, ये होती 1, 10, 100 ही नहीं पढ़ते, यूनिट पैलेस पर क्या है, तो कैसा नंबर आ गया, ये कैसा नंबर है, इवन, तो इवन की पावर माइनस की पावर अगर इवन हो तो क्या आता है, तो 300 डिवाइड नहीं होता, तो क्या आता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया, 4। अब भी नहीं आई होगा, कन्फ्यूज हो जाओ आप, अच्छा अच्छा फिर अगर अगर तुम्हारे छोटे भाई ने पूछ लिया फिर तो दूंगा मैं, पर मैं पढ़ाती नहीं, भाग जाओ यहाँ से, पूछू ना मैं एक ही बार पूछू, यहाँ लिखेंगे चलो एक ही बार पूछूंगा भाई, क्या सवाल लगा भाई, हैं आसान ही नहीं, आसान आसान तो देखना भारी लगा था,
ब्रिलियंट। देखो भाई अब क्या है, एक और सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा था, थोड़ा असल थेगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाए सवाल, एकदम हो जाए कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये नहीं है कि सीधा ही टू और थ्री की मल्टीप्लाई दे दी, जो होता है ना कि जैसे टूर्नामेंट में होता है कि भाई एक सवाल दे दिया वो टेन ट्वेल्व सारे ऐसे होते चले जाएँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगता है अगल है। लिखो एक लिखो क्वेश्चन नंबर है, इफ वन प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स या वन प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अप टू, ये साइन क्यूब एक्स भी आ जाएगा भाई, इक्वल टू फोर प्लस रूट टू रूट टू, फोर प्लस टू रूट टू, फोर प्लस टू रूट टू, एक्स की वैल्यू जीरो टू पाई, एक्स की वैल्यू जीरो टू पाई, देन फाइंड एक्स, देन फाइंड एक्स। यहाँ तो बात में होगी क्या कहा है, ये वन प्लस साइन एक्स प्लस साइन गिवन है, ये क्या गिवन है, वन प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स अब टू फोर प्लस टू रूट टू। यहाँ तो बात में होगी भाई, देखो ये कहाँ तक सीरीज है, ये है इनफाइनाइट तक सीरीज, इनफाइनाइट तक सीरीज होती है, उसका सम का फार्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए अपॉन ये होता है ना इनफाइनाइट तक सीरीज, अगर ये हो ये नहीं होता है, ये तो होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस आर, आर होता है इन दोनों का रेशियो, आर क्या होता है टी टू अपॉन टी वन, वो ए पी में होता है, वो डिफरेंट क्या होता है, वो ये है जी पी बढ़ रही है मल्टीपल हो रही है, इसके बाद वही पढ़ूंगा सीरीज, ठीक है यहाँ से बात समझ में आ गई, ए अपॉन वन माइनस आर पढ़ा हुआ गुणित श्रेणी, ये टिल्लो से अगर इस तरह की सीरीज होती है तो फॉर्म होता है ए अपॉन वन माइनस आर, क्या होता है ए अपॉन वन माइनस आर, ए क्या है फर्स्ट टर्म, देखो भाई गुणित श्रेणी का क्या होता है कि कोई भी नंबर कब वो जो है जी पी में होती है, ए पी के लिए जरूरी होती है कंडीशन, दैट द कंडीशन फॉर द मस्ट विल बी नेसेसरी फॉर द ए पी, ए नंबर विल बी टू द सेम नंबर एड एड और सब्ट्रैक्ट, एक नंबर या तो एड होगा या जैसे मान लिया देखो ये है ए पी टू फोर सिक्स एट, एक नंबर क्या हो रहा है इसमें एड हो रहा है हर नंबर पर टू 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 होता नहीं, या ये भी एड, ये भी जो भी ए पी है ये नहीं ए पी है, जीपी में क्या होता है एक नंबर क्या होता है तो डिवाइडेशन या मल्टीप्लिकेशन, जैसे वन थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन एट्टी वन टू हंड्रेड फोर्टी थ्री, ये जीपी होगी, तो अब इस हिसाब से ये एपी है या जीपी है, जीपी है, कौन सी है ये, और जीपी का सम क्या होता है इनफाइनाइट टर्म्स का, दो टर्म्स का होता है उसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये बाई चांस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट क्या होता है ए अपॉन वन माइनस आर, ए वेयर इज ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मीन्स टी टू अपॉन टी वन, टी टी टू अपॉन टी वन, तो इसमें फर्स्ट टर्म कितनी हो गई भाई, ये देखो इनफाइनाइट सीरीज है, ये ए पी है जी पी, तीन सीरीज होती हैं उसमें पढ़ूंगा मैं, ए पी जी पी और एच एम, ये तो होती है एच पी, ए पी जी पी और एच पी, ये सीरीज कौन सी है जी पी और इनफाइनाइट सीरीज है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर, ए की वैल्यू कितनी है भाई वन, आर की वैल्यू कितनी है टी टू अपॉन टी वन साइन एक्स अपॉन वन साइन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया ए अपॉन वन माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस टू रूट टू, यहां तक दिक्कत क्यों नहीं आई, ईमानदार बताइए भाई, अब इसे क्या करूंगा, इसका उल्टा कर दूंगा मैं, दोनों से का उल्टा कर दूं तो क्या आएगा वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन अपॉन फोर प्लस टू रूट टू, अब भी नहीं समझ में ये बात भाई, इसका उल्टा करा तो ये इधर आ जाएगा, ये है अब क्या आ गई मेरे पास
बोलो समझ में नहीं क्या बात बोल रहा बोला थोड़ा रेस्पॉन्स कर दिया थोड़ा मुझे भी लगा कि हाँ कुछ हुआ तो नहीं तो सोचूंगी कि मेरे मैं किल्ला किल्ला बोल रहा दिखे नहीं समझ आगे देखो वन माइनस साइन एक्स देखो जब फोन पे बात करते हैं तो क्या कहते हैं जैसे क्या बात है हूँ हाँ अगर यू ना कह रहा क्या कहेगा पर सुन नहीं रहा मेरी बात ऐसा है देखो ये अभी अभी ऐसा ही है भाई बोलो कहती नहीं है अच्छा नहीं देखा उधर से ना वादा भी नहीं दिखा कार्ड सुन फिर देखा है मैंने दिखा है तो इधर इधर ले आएगा भाई देखो वन अपॉन फोर प्लस टू रूट टू माइनस के वन इसको क्या करा वन को मैंने इधर लिया भाई मन चला तो मैं दिक्कत क्यों नहीं है मन तो चला जा भाई तो क्या आ गया वन माइनस क्या आएगा फोर प्लस टू रूट टू इसकी से मल्टीप्लाई अपॉन फोर प्लस टू रूट टू समझ में नहीं आ रही क्या किसी की सारी मत किसकी समझ आया आए नहीं बेटे है ना वन अपॉन वन प्लस थ्री समझ में आ गया तो बाहर क्या है माइनस क्या है तो क्या आएगा वन माइनस फोर माइनस टू रूट टू अपॉन फोर प्लस टू रूट टू है जी वन माइनस फोर कितना जाएगा माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस टू रूट टू टू रूट टू फोन फोर प्लस टू रूट टू है भाई साहब अब मैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं भाई जी सर मेरा कोई दिक्कत तो नहीं क्या जाएगा बोलो फोर माइनस टू रूट टू अपॉन फोर माइनस टू रूट टू अब थोड़ा भाई मानना कर ले जो आसान वाला तो मैं कर दूँ तो और तुम कर दूँ मल्टीपल है जैसे नीचे क्या आएगा ये है ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस टू रूट टू का होल इसकी इसकी मल्टीप्लाई करके देखिए यार थोड़ा भाई मानना सकरा मैंने करके देखिए जरा ये तो है भाई मानना है नहीं कुछ हो रहेगा भाई इसका जब तुम घर से करोगे इसका आंसर आएगा फोर रूट थ्री क्या करेगा इसका आंसर देखो इधर देखो नहीं आया तो कल को तो है ही देख लेना तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा फोर रूट थ्री अपॉन ये फोर का स्क्वायर कितना आएगा सिक्सटीन इधर टू रूट टू का स्क्वायर कितना आएगा एट और सिक्सटीन माइनस एट एट फिफ्टीन माइनस एट एट कितना जगह है रूट थ्री बाई टू और साइन ये कितने की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू साइन रेडियन में पाई बाई कितने की वैल्यू थ्री की अरे सिक्सटीन लिखा मैंने रूट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई अब भी नहीं बात नहीं लेकिन सर एक थोड़ा सा ये नहीं समझ में आया सर ये साइन माइनस था ना सर ये हाँ सर वहाँ पे सर ऊपर माइनस साइन एक्स क्या आएगा सर माइनस साइन एक्स था ऊपर हाँ तो इधर माइनस फोर आएगा ये भी क्या आएगा ये तो भाई साहब ये तो दो माइनस है तो बहुत सारे माइनस लिए बैठे हैं हाँ ये इधर माइनस आएगा ये हाँ ये क्या आएगा यहाँ ये तो बहुत सारे माइनस आएंगे माइनस से माइनस कटेगा ये आई बात नहीं ठीक है वो रटने वाली बात तो नहीं देखो क्या है जब इधर इधर क्या माइनस मैंने तो चला सही तरह से यार मेरे शोर हो चुके हैं कि माइनस से माइनस कट जाए ठीक है जाओ चाहिए मैं इसको आज जाओ आगे नहीं छुट्टी करा तो बैठे रहो आप कौन जाए बैठे रहो ये जल्दी आना आपको भी ये तो बाद में पढ़ लेंगे हैं और एक सवाल ही तो करूँगा जाओ बाद में देख लेना उसमें जाओ चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है आपकी
आसान सा बताऊंगा जो जो तुम्हारा कोई दिक्कत ना हो जाता, ठीक है, वैसे ही बताऊंगा। चलो छोड़ देंगे, देखो अच्छा वैसे ही बता रहा है। अच्छा देखो एक एक क्वेश्चन मैं कल भी कराया था, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ। इसका ज्योमेट्री का यूज कहाँ होता है भाई? हाँ जाओ आप, चलो आपसे किले रह जाऊंगी, इसीलिए इसका एक ज्योमेट्री का यूज क्या होता है भाई, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का ज्योमेट्री का यूज कहाँ होता है, एक यूज करके दिखाऊंगा। मैं कल ही बताया था मैंने, एक क्वेश्चन हट के फिर वही बताता हूँ या क्वेश्चन बता दूंगा। देखो भाई एक क्या है, देखो भाई एक कोई इक्विलेटर ट्राइंगल है, ये हाँ तो बात सुनिए भाई, इक्विलेटर ट्राइंगल का मतलब समबाहु त्रिभुज, जिसका हर एक कोण 60। यहाँ तो बात सुनिए, इसके चारों तरफ एक ये जो है ज्योमेट्री में है, ये इसके चारों तरफ एक क्या है, सर्कल बना हुआ वी है वे ट्राइंगल इन दिस नंबर टू ए सर्कल विच हैव द सर्कमफेरेंस इज 36 पाई। एक त्रिभुज है उसके चारों तरफ एक वृत्त है जिसका परिधि 36 पाई है, हिंदी में लगा इन सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल का कितना है 36 पाई सेंटीमीटर। यहाँ तो बात नहीं होगी, क्या ही ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल कैसी है ये, इक्विलेटर। यहाँ तो बात नहीं होगी, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, रुना तो नहीं यहाँ तक के। अब इसका सेंटर होगा यहाँ, ये सर्किल है तो सेंटर भी होगा, आदमी है तो उसका सिर भी होगा। अगर सिर ना हो फिर तो पिछले बार भूत है भाग जाएगा, अगर आदमी कोई ऐसे दिख जाए जो रात को जो सिर ना हो क्या करेगा आदमी, जंगलों चढ़ लेगा भाग लेगा, है ठीक नहीं है, स्पीड 100 की स्पीड भरा हुआ साइकिल भी होगा तो बच गए भाई। तो ये सेंटर है, अब इसके अंदर एक और सर्किल है, इन सर्कल है ये तो, दिक्कत तो नहीं आती, यूँ कह रहा इस सर्किल की रेडियस बताया। अच्छा हाँ इस सर्किल की क्या बतानी, रेडियस, रेडियस बतानी है, बता दें। देखो भाई बताऊँ, बताओ सर आप बताओ, समझ में तो सवाल आ गया, क्लियर है सवाल, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से शिष्य की तरह ये लिख के बताओ, ये लिखूँ जिसको इमला थी बोल रहे हैं, अब क्या है, देखो एक एक बार समझ लो भाई, एक सर्कल है, ट्राइंगल है, कैसी ट्राइंगल है, इक्विलेटर, इक्विलेटर की क्या क्या होती है, क्या होती है प्रॉपर्टी, तीनों साइड इक्वल होती है, तीन एंगल भी इक्वल हो, तीन एंगल हो तो एक एंगल कितने का होगा, बड़ा खिलाएंगे मेडिकल की बात, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक की, ये रेडियस है यहाँ तक के, ये बड़े वाले की होगी रेडियस, छोटे वाले की होगी, बड़े वाले की होगी, बड़े वाले है तो बड़ा ही नाम रख लिया, बड़े का बड़ा ही नाम हो भाई, कहते नहीं बड़े आदमी बड़ी बातें हो भाई, कहूँ छोटे वाली क्या होगी, हो ये क्या होगी, ये छोटे वाली की रेडियस होगी, यहाँ तक बात समझ आ गई, ये क्या चीज है भाई, क्या चीज है ये क्या चीज है, ये बेस नहीं है, ये सर्कल है क्या है, ये बताया था मैंने, ये सर ये वो है सर, सर हिंदी में बता था, हाँ हिंदी में बोल लो, अच्छी बात है मैं समझूंगा, मैं बता रहा क्या चीज़ है, बिजली का तार है, तार का हल्का सा क्या हो, स्पर्श हो या पकड़ा जाओ, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है, हल्का क्या हो पिट्टे पकड़ा नहीं, हल्की सी टच हुई, टेंजेंट, टच का मतलब टेंजेंट, ये क्या है इसकी, टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, स्पर्श, ये क्या है इसका सेंटर, अगर इस सेंटर से इस पर टेंजेंट पर
ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया। नहीं, एक अगर सर्कल से सेंटर से टेंजेंट पर एक लाइन खींची जाए तो हमेशा क्या होती है वो 90 डिग्री 90 परपेंडिकुलर। ए लाइन विच विल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्या है ऑफ द टेंजेंट ऑफ सर्किल दैट विल बी टू द 90 डिग्री। यहाँ तो बात में आ गई, ये 90 डिग्री आ गया भाई, ये कैसी आ गई भाई, ये ओ ए बी कैसी आ गई है, राइट ट्रायंगल आ गई है। दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक क्यों बता दी भाई है। और अब तुमने देखा होगा, अगर मान लिया, चलो अच्छा पहले ये देखता हूँ, देखो इस सर्कल की रेडियस कितनी है आर, और सारे का सर्कमफेरेंस दे रखा कितना दे रखा, और सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है बिग सर्कल है, बिग सर्कल कहते हैं या जो उसके सर्कम, तो कितना का इसका कितना था 2 पाई आर इक्वल टू 36 पाई, इस पाई से आर इक्वल टू 36/2 = 18 सेंट। इस भाई साहब की बड़ी की रेडियस कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर आ गई। कुछ और छोटा सा नंबर कर लेंगे, और छोटा नंबर आ जाएगा, नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तो कुछ भी कर लेना, अपने मानना भी तो है अपना। अब ये तो आर आ गई, ये तो 18 आ गई है, ये पूछ रहा ये कितनी होगी। देखो भाई ये एक सर्कल है, देखो ये एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है, ये क्या कहलाएगी भी बताया तुमने मुझे, स्पर्श रेखा, टेंजेंट, इंग्लिश में बोलेंगे नाम टेंजेंट। ये क्या है इसकी टेंजेंट, ये इसका क्या है सेंटर, सेंटर से अगर इसे ये कह रहे हैं क्या आ जाएगी, ये टू पार्ट्स टू एंगल को डिवाइड करते हैं, इसकी डेफिनेशन होगी, प्रॉपर्टी हो उसकी होती नहीं, ये भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 है, ये कॉमन है, तो ये दोनों इक्वल हो जाए, दोनों ये कि जो जो ये लाइन होती है सेंटर से इसे मिलाने वाली, तो ये दो एंगलों में डिवाइड करती है, तो जब ये 60 है तो नीचे डा कितना जगह हो 30 ऊपर लगी 30 रटी तो नहीं मैंने बात भाई, ये प्रूव भी कर दूंगा, होते ही कहीं 30 हो जाएगी। फिलहाल ये है कि जो टेंजेंट एक भाग कोई पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट खींची जा रही हो उस सर्किल के सेंटर से उस लाइन को मिलाया जाए, ये उस एंगल को दो हिस्सों में बांट देती है, ए पॉइंट वेयर वी ड्रॉन टू टेंजेंट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सर्कल द ए लाइन विच विल बी मेड ज्वाइन टू द सेंटर एंड दिस पॉइंट इट विल बी बाईसेक्ट देयर एंगल, उस एंगल को दो हिस्सों में बांट, आई बात है ना। yes, तो ये 30-30 हो जाएंगी। yes, सारा कितना था इसमें 60 था, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30। अच्छा अब ये ट्रायंगल कैसी है भाई, ओ ए बी कैसी है, ये राइट ट्रायंगल, ओ ए बी कैसी है, ये राइट ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, बल्कि इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी है भाई साहब। yes, इन राइट एंगल ओ ए बी में क्या जाएगा, इसके लिए ये क्या है परपेंडिकुलर है। yes, ये क्या है इसके लिए हाइपोटेनियस। yes, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या इक्वल होता है साइन थीटा। yes, तो साइन 30 क्या इक्वल हो जाएगा, साइन 30 इज इक्वल टू आर अपॉन 80। साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 इक्वल टू आर अपॉन 18, तो 2R इज इक्वल टू 18, R इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, R इज इक्वल टू 9। ये क्या ट्रिग्नोमेट्री का ज्योमेट्री में यूज है। yes, कितना बढ़िया यूज है। yes, कहते नहीं सवाल आसान एकदम, ये है आसान तोड़ने से उतारो, बढ़िया सवाल, अच्छा ही सवाल है। तो क्या है, अगर मान लिया अगर दे रखा हो सर्कमफेरेंस है इस तरह, तो ये छोटे सर्किल की हो इन सर्किल है उसकी जो है रेडियस निकाल सकते हैं, आर विल बी टू द ठीक है भाई। yes,
आगे समझे भाई? जी सर। आज के लिए इतना ही है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, कल फिर मिलते हैं।